एवरी वन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माई वीडियोज तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नया वाट्सअप स्कैम आया है ठीक है आप लोगों ने सुन लिया होगा क्योंकि कई सारी जगह पर दिखाया भी गया तो ये नया स्कैम क्या है हम उसके रिगार्डिंग पढ़ेंगे तो इसके रिगार्डिंग पता है बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं लाइक इंडिया व्हाट्सएप यूजर बी वेयर मैसेज एंड कॉल यू आर रिसीविंग फ्रॉम इंटरनेशनल नंबर आर आ स्कैम इंटरनेशनल नंबर से कॉल आती है लाइक like जैसे आपको पता है बहुत कॉमन नंबर है प्लस सिक्स जीरो से कॉल आ जाते हैं प्लस टू फाइव फोर प्लस सिक्स टू प्लस एट फोर इन जो नंबरों से कॉल आ रही तो है तो इनसे है ना नया मालवेयर अटैक आ रहा है हमारे फ़ोन के अंदर जिसके पास ये व्हाट्सअप कॉलिंग आ रही है तो व्हाट्सएप स्कैन डोंट टेक वॉइस वीडियो कॉल फ्रॉम दिस डेंजर नंबर ठीक है तो व्हाट्सअप ने यही कहा है लोगों की इस नंबर से आप कोई भी कॉल अटेंड मत करो लाइक के दिखता है इंडोनेशिया का है मलेशिया की या यहाँ से ठीक है ये व्हाट्सएप स्कैम अलर्ट कर रहा है कि आप ऐसे कॉल भी कोई भी इंटरनेशनल नंबर से अटेंड ना करो और इवन इनके मैसेज भी अपने फ़ोन में मत करो एक ही हो है व्हाट्सएप स्कैम डोंट टेक अ वीडियो कॉल बीवेयर कर रहा है, रहे हैं न्यू व्हाट्सएप स्कैम कॉल आ रही है होकस जो हो होक एक्स कॉल इनको होक्स कॉल भी कह देते हैं अब इसमें जो कॉमनली क्या बात है कि आपके पास जो हमारा प्लस सिक्स जीरो करके या तो कोई आपको पास मैसेज आ जाएगा जो इंटरनेशनल नंबर होते हैं या यहाँ से आपको कोई वीडियो कॉल आ सकते हैं वीडियो कॉल का तो आपको लॉजिक पता ही है जो कि हनी ट्रैप जैसे केसेज होते हैं ठीक है तो वीडियो कॉल इसके रिगार्डिंग आ सकते हैं मैसेज आ सकता है इवन कहा क्या जा रहा है कि आपको अभी तक इतना अंदाजा नहीं हुआ है कि जो ये स्कैम है व्हाट्सएप स्कैम इससे आपको क्या नुकसान हो रहा है इसका तो पता नहीं है स्कैम का पर हाँ अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर जितनी देर आपके फ़ोन में ये मैसेज रहेगा ना जितनी देर आपके पास मैसेज रहेगा आप इसको ब्लॉक नहीं करोगे और मैसेज डिलीट नहीं करोगे उतने ही टाइम तक जो आपका डाटा है ना वहाँ से चोरी होता रहेगा ठीक है आपका डाटा कोई थर्ड पार्टी एक्सेस करती रहेगी तो ये कह रहा है कि व्हाट्सएप कि जितने भी आपके पास अगर नंबर से कॉल आ रही है वीडियो कॉल आ रहा है और बाहर का इंटरनेशनल नंबर शो कर रहा है तो आपको क्या करना है उसको ब्लॉक कर देना और रिपोर्ट करना है ठीक है तो इसके रिगार्डिंग बस इतनी ही बातें जो चल रही है ना क्योंकि अभी रिसेंटली ना बहुत सारे इसके रिगार्डिंग केसेस वो हुए हैं रजिस्टर जिसमें सीधा एक कॉल आती है और कॉल आपके पास रहेगी काफ़ी देर तक आप बात कर लो या फिर आपको वहाँ पर कोई न्यू लड़की दिख जाएगी आपकी वो रिकॉर्डिंग कर लेगी आपसे आपको पैसे भी हड़प लेगी हनी ट्रैप की तरह तो ऐसे केसेस भी देख जाते हैं तो आपको पता है ये व्हाट्सअप इसके लिए क्यों इतना ज़्यादा अवेयरनेस फैला रहा है बिकॉज आपको पता है कि जो व्हाट्सअप है हमारा एंड टू एंड इंक्रिप्शन पे है ठीक है एंड टू एंड इंक्रिप्शन तो uh, इस नंबर को ना व्हाट्सअप भी वो नहीं कर सकता लाइक like, व्हाट्सअप भी ट्रैक नहीं कर पाएगा कि ये कहाँ से कोला है कौन सा पर्सन क्योंकि ये जैसे नंबर दिखते हैं ना प्लस सिक्स जीरो हो गया प्लस एट फोर हो गया कोई कह रहा है इंडोनेशिया मलेशिया केनिया तो क्या होगा कि वो नंबर है ना ऐसा लगेगा कि है ही वहाँ से पर क्या पता आपको कोई पड़ोसी हो नेबर हो जो आपको कॉल कर रहा हो पैसे हड़पने के लिए तो ये हमारा व्हाट्सएप स्कैन का पूरा पूरा फंड है तो व्हाट्सएप इसको वो नहीं कर सकती ट्रेस नहीं कर सकती इसलिए लोग कह रहे हैं कि ब्लॉक कर दो रिपोर्ट कर दो ऐसे नंबरों को अगर आपको इनसे सेफ़ रहना है जैसे कि आपको पता है अक्टूबर में भी हमारा एक केस आया था ठीक है अगर मैं बात करती हूँ ठीक है ये हमारे केसेस हैं बहुत सारे केसेस जो देखने को मिलते हैं कि लाइक ऑनलाइन स्कैम हो गया व्हाट्सएप के थ्रू व्हाट्सएप वीडियो कॉल के थ्रू इतना पैसे का लॉस हो गया सिक्स कॉमन साइबर क्राइम सेफ्टी टिप्स देते हैं इसके रिगार्डिंग कि मतलब बहुत सारे आपको इसके रिगार्डिंग वो देखने को मिल जाते हैं अब जो मैं बता रही हूँ दो में एक केस हुआ था टू में व्हाट्सएप का जिसमें एक पर्सन से पचपन ले लिए थे ठीक है और ये पचपन हज़ार रुपये ना तीस साल के ओल्ड आदमी से लिए थे थर्टीन ईयर ओल्ड और इसे क्यों कैसे लिया था इसके साथ वीडियो कॉल कर ली और नेक्टा सामने आ गई और इसकी रिकॉर्डिंग कर रही अब रिकॉर्डिंग करके उसको ब्लैकमेलिंग करने लग गए तो ये अहमदाबाद का हमारा केस था इसी के साथ साथ एक अक्टूबर का एक और केस आया था जिसमें क्या कह रहे थे कि व्हाट्सअप वीडियो कॉल आई है लाइक हनी ट्रैप और वो बंदे को उसको डाटा अगर वो सामने एक न्यूड लड़की है आपके ये जो केस हुआ है ना सामने न्यूड लड़की और आप वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो तो आप उससे बात कर रहे हो इतने भी वो आपके फोन से डाटा निकाल सकते जब तक वो आपके वीडियो कॉलिंग पे है आपको वहाँ पे अंगेज करके वीडियो कॉल के थ्रू तो आप स्ट्रेंजर्स की ना तो कॉल उठानी है और ना आपको इन स्ट्रेंजर्स से बात करनी है तो ये अवेयरनेस आप अपने रिश्तेदारों में फैमिली में सबको में फैला सकते हो क्योंकि ऐसा अभी स्कैम चल रहा है अभी इनके रिगार्डिंग सारी की सारी बातें आई नहीं है हुँ? तो ये हमारा सबसे बड़ा स्कैम है व्हाट्सएप कॉल एंड मैसेज फ्रॉम इंटरनेशनल नंबर तो रिस्पॉन्ड नहीं करना रिपोर्ट एंड ब्लॉक आपको करना है और रिपोर्ट एंड ब्लॉक करने के बाद नंबर डिलीट भी कर दो तो ये भी बेस्ट रहेगा आपके लिए जैसे आप ये देख रहे हो इंटरनेशनल व्हाट्सएप कॉल प्लस वन थ्री सिक्स वन से भी नंबर आ रहे हैं प्लस नाइन सिक्स से भी नंबर आ रहे हैं इवन एक और नंबर में आपको दें प्लस एट फोर ये मेरे पास इस नंबर से कॉल आया जो प्लस एट फोर है ना ये बहुत कॉमन नंबर है जो वियतनाम का होने का दावा करता है पर ये वियतनाम का नहीं है ठीक है अगर आप चेक करोगे तो ये आपके ही आसपास का कहीं का होता है तो आपको इससे बचना है यही हमारा ये ही ही अभी जो व्हाट्सअप का स्कैम चल रहा है तो दिस इज ऑल अबाउट द स्कैम आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई